हेलो गाइज, आज फिर से और आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम डिपार्टमेंटल्स की। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियोज में कर लिए थे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ लिया था। थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करते हैं ब्रांच में। चलो जी, रीड आउट करते हैं पहले क्वेश्चन, देन सॉल्व करते हैं इसको। देखो जी, क्वेश्चन, नंदलाल लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट आई, जे एंड के। एक नंदलाल कंपनी है जिसके पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आई, जे और के। कुछ ट्रांसफर इसकी क्या होगी? इंटरनल ट्रांसफर होगी, आपस में भी ये माल ट्रांसफर करेंगे। वही इंपॉर्टेंट फैक्टर था डिपार्टमेंटल में। बाकी तो सिंपल था, क्या बनाना था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता था। ठीक है, क्या क्या गिवन है रीड आउट करो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रिजर्व भी क्वेश्चन में मेंशन है। देखो, 2000 और 3000 डिपार्टमेंट जे एंड के का। इसका मतलब आई ने माल दिया होगा जे को, जे ने दिया होगा के को, और के पास जो माल होगा वो दोनों डिपार्टमेंट का मर्ज होगा, आई एंड जे का। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम बताया है, डायरेक्ट लेबर बताया है, क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है, और सेल्स बताई हुई है। एरिया ऑक्यूपाइड्स, एरिया ऑक्यूपाइड्स में क्या है? 2500, 1500 और 1000। देखो, एरिया जो इन्होंने ले रखा है डिपार्टमेंट्स में, उसमें हम क्या करेंगे? रेंट होगा, रेंट को बांटेंगे एरिया में। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉय किस काम आएगा? अगर सैलरी दे रखी है तीनों डिपार्टमेंट्स की एक साथ, तो उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशियो में क्या करोगे? आप बांट लोगे। ठीक है, देन लिखता है क्वेश्चन, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यू एट कोस्ट, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यू एट कोस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, स्टॉक एट स्टॉक ऑफ आई आर ट्रांसफर टू जे। आई स्टॉक, आई डिपार्टमेंट का स्टॉक किस पर ट्रांसफर करना है? जे पर, एट कोस्ट प्लस 20%। कोस्ट में कितना प्लस करना है? 20% प्लस करना है। एंड स्टॉक ऑफ जे, जे वाला किसको देना है? के को, एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। देखो, आई ने जब जे को दिया 20% ऑन कोस्ट, जे ने जब के को दिया 20% ऑन सेल्स। अदर कॉमन एक्सपेंसेस, सैलरी एंड रेंट आपको दिया है 18,000 और 6,000। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, देखो अब कैसे सॉल्व होगा। चलो जी बताओ, सबसे पहले क्या है, फॉर्मेट में पुट कर देते हैं। सबसे पहले गिवन है आपका ओपनिंग स्टॉक 5,000, 8,000 और 19,000। तो पुट करते हैं हम, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000 है, फिर कितना है? 8,000 है, लास्ट वाले का कितना है? 19,000 है। ठीक है, 5,000, 8,000 और 19,000। ओपनिंग रिजर्व जनरल पीएनएल में आएगा। मटेरियल कंज्यूम 16,000 और 20,000। मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है कितना? 16,000 एंड 20,000 रुपए। ठीक है, ये भी पुट कर दिया। उसके बाद अगला आइटम, उसके बाद लिखा डायरेक्ट लेबर 9,000 और 10,000। टू डायरेक्ट लेबर कितना है? 9,000 और 10,000, ये भी डाल दिया, 9,000 और 10,000। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, डायरेक्ट लेबर के बाद है गिवन क्लोजिंग स्टॉक 5,000, 20,000 और 5,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक 5,000, 20,000 और 5,000 रुपए का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है? मेंशन है। इसके बाद अगले आइटम पे चलते हैं, और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक के बाद गाइस गिवन है सेल्स। सेल्स देखो, लास्ट डिपार्टमेंट की गिवन है ओनली 80,000 रुपए। बाई सेल्स कितनी गिवन है? 80,000 रुपए की सेल्स गिवन है। नेक्स्ट आइटम पे एरिया ऑक्यूपाइड एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। चलो ये भी कर देते हैं। क्या क्या था? रेंट था और सैलरी थी। बताओ कितना है सैलरी? कितनी गिवन है? 18,000। स्टाफ वेलफेयर का मतलब होता है सैलरी। सैलरी कितना गिवन है? 18,000 रुपए। इसको हम किस में बांटेंगे? नंबर ऑफ, इसको बांट दोगे आप नंबर ऑफ किसमें? एम्प्लॉयज में, 3-2-1, यानी 30, 20 और 10 एम्प्लॉय है। 3-2-1 में बांट दो किसको? 18,000 को। तो ये आ गया 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है, सैलरी बांट दी, सैलरी हमने बांट दी। और क्या रह गया सैलरी के बाद? हमारे पास रेंट है 6,000 का। रेंट कितना है? 6,000 का। 2500, 1500 और 10 का रेशियो बनाओ, 5-3-2 बनेगा। रेशियो क्या बनेगा? 5-3-2। इसमें रेंट को बांट दो। रेंट कितना था? रेंट है हमारे पास 6,000, तो ये आ गया 3,000, 1,800 और 1,200। ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 5-3-2 में, एरिया में। ठीक है,
अब देखो नीचे अगली लाइन जो लिखी हुई है वो इन्होंने लिख के दिया कि आई ने जब जे को माल दिया तो 20% ऑन कोस्ट, 20% ऑन कितना ट्रांसफर करा ये नहीं बताया, तो इसको जोड़ो 5,000, 16,000 कितना हो गया 21 और 9 30, 30 में से 5 हटाओ कितना आ गया 25,000। अब 25,000 का माल हम अगले डिपार्टमेंट को देंगे, अगला मतलब जे, 20% प्लस करो इसका, 20% कितना होगा 5,000, ठीक है तो ट्रांसफर कर दो, इतना ही है ना, 20% क्या लिखा है 20% ऑन कोस्ट, तो कितना हो गया ये 30,000, कितना हो गया 30,000 बाई इंटरनल ट्रांसफर, डिपार्टमेंट आई ने जे को दिया माल कितने का 30,000 का टू इंटरनल ट्रांसफर, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया आई ने 5,000 रुपए का, ठीक है टोटल कर देते हैं कितना हो गया इधर 35, इधर भी कितना आ गया 35। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट जे की 20 10 30 30 60 और 8 68,000 में से 20,000 घटाओ 48,000, कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए। इस बार क्वेश्चन में क्या लिखा है 20% ऑन सेल प्राइस, 20% ऑन सेल प्राइस, ठीक है अगर 20% देखो क्या होता है सेल इक्वल टू क्या होता है, सेल इक्वल टू कोस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट कोस्ट पता है आपको कितनी है कोस्ट 48,000, प्रॉफिट चाहिए 20% ऑन सेल, अगर प्रॉफिट 20% है तो कोस्ट कितने परसेंट होगी 80%, तो सेल प्राइस कैलकुलेट कर लो 48,000 डिवाइडेड बाई 80%, सेल प्राइस आ गया हमारा 60,000, कितना आ गया 60,000, यानी जे ने जब ट्रांसफर करा तो 60,000 में ट्रांसफर करा कितने वाला गुड्स 48,000 वाला, प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने 12,000 का, इधर कितना आ जाएगा 48,000, लास्ट डिपार्टमेंट का टोटल लगा दो बस, उसने कुछ करा ही नहीं है 80,000 प्लस 5,000 कितना आ जाएगा इधर 85, इसका भी टोटल कर देते हैं कितना हो गया ये 80,000, कितना हो गया ये वाला 80,000, इसका कितना हो गया था 85, ठीक है 85 में से लेस कर लो 19,000 और 48,000, इनका प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपए, ठीक है एटी फाइव में से क्या करा हमने लेस कर दिया, और कोई खर्चा पेंडिंग है तो बताओ। अच्छा ये 60,000 है, इंटरनल ट्रांसफर कितना है 60, ओके देखो गाइस ये कितना था 60,000 था ना, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 60,000, 85 में से लेस कर लो कितना आ गया 19,000, 60,000 तो ये हो गया आपका 6,000, कितना आ गया ये 6,000, ठीक है बाई ग्रॉस प्रॉफिट। आगे करते हैं क्वेश्चन, 5,000 12,000 और 6,000 का, ठीक है यहाँ पे टोटल लगाते हैं क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना आएगा 9 और 3 ये हो गया 12,000, 12,000 में से लेस कर दो 5,000 तो ये आ गया बाय डिपार्टमेंटल लॉस, बाय डिपार्टमेंटल लॉस 12 में से 5 घटाओ 7,000 रुपये का लॉस, इसमें प्रॉफिट निकल जाएगा 12,000 में से ये लेस कर दो 6,000 और 1,800, 12,000 में से लेस कर दो 6,000 और 1,800 4,200, ठीक है अब क्या करना है इस 6,000 में से, ठीक है 6,000 में से लेस कर दो 1,200 और 3,000, 1,800 का प्रॉफिट आ गया। अब बताओ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना हुआ, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स प्रॉफिट हुआ 4,200 और 1,800, 4 और 1 5 और 1 6,000 रुपए का, और डिपार्टमेंटल लॉस कितना हुआ टू डिपार्टमेंटल लॉस, एक डिपार्टमेंट में कितना लॉस हो गया 7,000 का, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना गिवन है क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 3,000 और 2,000 राइट यही है ना 2 और 3 जे और के का कितना हो जाएगा ये 5,000 रुपए बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आ गया ये 5,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाल देते हैं यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, क्लोजिंग स्टॉक जे का चेक करो, पिछली क्लास में भी हमने ये करा था सीखा था, क्लोजिंग स्टॉक देखो जे का
जे का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 है। इसमें कंटेंट रेशियो लगाओ। कंटेंट कैसे लगानी है? 30,000 डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है, 60,000 इंटू में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले डिपार्टमेंट की, 5,000 डिवाइड बाई 30,000, तो कितना हो जाएगा? 1/6 आ गया। ये सॉल्व करो इसको, 20,000 वन इंटू 30,000 डिवाइड बाई 60,000, ठीक है, डिवाइड बाई 6, 1667 ये आ जाएगा। ऐसे ही के का भी निकालो। के में दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार जे का प्रॉफिट और एक बार के के अंदर एक बार जे का निकालना पड़ेगा। के का पहले क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना है? 5,000। कंटेंट रेशियो कितनी? 100% फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 60,000, ठीक है ना, कंटेंट रेशियो याद है ना, सेम, इंटू में प्रीवियस डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट, 12,000 डिवाइड बाई 60,000, 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। अब इसमें से क्या करना है? जे का प्रॉफिट हटा दो 5,000 में से, कितना बच गया? 4,000। अब प्रीवियस डिपार्टमेंट का लगाओ कंटेंट रेशियो, 30,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू में क्या करोगे? प्रीवियस डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया 333। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का टोटल करो कितना आ गया? 1667 प्लस 1000 प्लस 333, 3000 आ गया। कितना आ गया टोटल? 3000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 6 और 5 11,000, 11,000 में से 10,000 लेस कर दो, 1,000 का नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश, बिल्कुल यहां तक नोट कर लो, बाकी दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। फिर करते हैं सेकंड। चलो जी, आप देखो सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने अभी अभी जस्ट किया, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो जी, इन क्वेश्चन में क्या है, राम लिमिटेड हैड टू डिपार्टमेंट्स, राम लिमिटेड हैड टू डिपार्टमेंट्स, क्लॉथ एंड रेडीमेड क्लॉथ, ठीक है। द रेडीमेड क्लॉथ वर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ, रेडीमेड कपड़े अपने आप बनाते हैं ये, ठीक है। आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाई बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट, क्लॉथ डिपार्टमेंट ने कपड़ा खरीदा रेडीमेड को दिया, इन्होंने बना लिया खुद से, ये काम होता है इनके यहाँ। क्या क्या दिया है देखो, फॉलोइंग डिटेल्स में, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, ट्रांसफर गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, रेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये भी गिवन है। इन एडिशन टू द अबाव, इन एडिशन, इसके अलावा क्या क्या गिवन है देखते हैं। नीचे सेकंड लाइन से पढ़ो, द स्टॉक ऑफ रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड, जो रेडीमेड यानी कि सेकंड वाला डिपार्टमेंट है उसमें क्या है, 75% तो क्लॉथ है, यानी पिछले डिपार्टमेंट का माल कितना है? 75% आपको कंटेंट निकाल के गिवन है, 75% कंटेंट रेशियो गिवन है, एंड 25% अदर एक्सपेंस है, ठीक है। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट, जो क्लॉथ डिपार्टमेंट है उसने अर्न किया क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। लो जी, क्लॉथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी गिवन है 15%, लेकिन पिछले साल का, इस साल का नहीं, 15%। जब भी पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन होगा तो आप क्या करोगे, इससे पिछले साल का यानी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज नहीं करते हम। इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जर्नल एक्सपेंस, उसके बाद है जर्नल एक्सपेंस अभी से दिए, कितने के जर्नल एक्सपेंस इसी साल के हैं, कितने हैं? 10,85,000, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो आप बताओ जी, क्या क्या ओपनिंग स्टॉक है? सबसे पहले पुट कर देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 31,50,000, और कितना इधर? 5,32,000, ठीक है। अगला आइटम परचेज कितना है? फिर परचेज, परचेज है 21,00,000 और 1,68,000, टू परचेज, परचेज है 21,00,000 रुपए की और इधर है 1,68,000 रुपए की। परचेज के बाद सेल्स गिवन है 2,31,00,000 की, सेल्स 2,31,00,000 रुपए की क्या गिवन है? सेल्स गिवन है। उसके बाद 47,25,000 की सेल्स गिवन है, 47,25,000 सेल्स के बाद क्या है? ट्रांसफर दिया 31,50,000 का। लो जी, ट्रांसफर डाल देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? इंटरनल ट्रांसफर 31,50,000, इसमें भी डाल दो फिर 31,50,000, टू इंटरनल ट्रांसफर। अगला आइटम बताओ फिर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 6,30,000,
30,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6,30,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के बाद सेलिंग एक्सपेंस 2,10 और 73,500, 2,10,000 और इधर आ गया 73,500। क्या है ये? सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस के बाद अगला आइटम रेंट। रेंट गिवन है आपको 8,40 और 5,60,000, 8,40,000 एंड 5,60,000, ये क्या है आपका? रेंट है गाइज। नेक्स्ट स्टॉक गिवन है 21,00,000 और 6,72,000। 21,00,000 और 6,72,000 का क्या गिवन है? बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक टोटल लगाते हैं 231, 31,50,000 और 21,00,000 रुपए। इसका टोटल आ गया 2,83,50,000, 2,83,50,000, 283,40,000 माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, माइनस कर रहा हूँ 31,50,000 और 21,00,000। ये आ गया हमारा कितना आ गया? 2,31,00,000। ठीक है ना, 2,00,00,000। अच्छा ये कितना था? 2,10,00,000 था क्या? 2,10,00,000 था तो 10 और लगा लो। ठीक है, अब दोबारा से माइनस कर देते हैं 283,50,000 जो भी था, 31,50,000, 2,10,000,000, 4,42,00,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। सॉरी, 42,00,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर कर दो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 42,00,000 रुपए। ऐसे उधर का टोटल करते हैं, देखो जी 47,25,000 प्लस 6,72,000, 53,97,000, 53,97,000, 53,97,000। ओके, माइनस करो इसमें से फिर 5,32,000, 1,68,000, 31,50,000 और माइनस करो 6,30,000, 9,17,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 9,17,000 का। नेट प्रॉफिट निकालो, टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट माइनस 73,500 माइनस 5,60,000। ठीक है, ये आ गया 2,83,500 रुपये, 2,83,500। इसमें से ये भी लेस कर देते हैं 42,00,000 में से। ठीक है, 42,00,000 में से माइनस कर देते हैं 2,10,000, माइनस कर देते हैं 8,40,000, 31,50,000 आ गया बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। डिपार्टमेंट प्रॉफिट कितना आएगा? टोटल कर दो इन दोनों का, इन दोनों का टोटल 31,50,000 प्लस 283,500, 34,33,500 रुपये। ठीक है, अब लिखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इतना ही निकालना है ना। अच्छा, इस बार का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? जीपी रेशियो क्लॉथ का 42,00,000 डिवाइड बाई 2,31,00,000, 2,31,00,000, 31,50,000, 2,62,50,000। ठीक है, 42,00,000 डिवाइडेड बाई 2,62,50,000, 16% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 16%। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना है आरएम का? 6,72,000। इसमें से 75% पिछले डिपार्टमेंट का है, प्रीवियस डिपार्टमेंट का, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना? 16%। तो 6,72,000 का 75% और उसका भी 16%, 80,640 रुपए क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, 80,640। ऐसी ओपनिंग का निकालो 5,32,000 में से पिछले डिपार्टमेंट का कितना? ओपनिंग वाले का 75%, और पिछले साल की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चेक करना कितनी गिवन थी? 15%। कितना गिवन था? 15%। तो 5,32,000 का 75% और उसका 15%, 59,850, 59,850 टोटल कर लेते हैं इसका 343,500,
34,93,350, 34,93,350 माइनस कर दो इसमें से 80,640, 34,12,710 रुपये, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। कितना आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। कोई खर्चा तो नहीं रह गया, कोई खर्चा चेक करो। अच्छा लास्ट में एक खर्चा दिया हुआ था 10,85,000 का, जो खर्चा अनएलोकेटेड रह जाता है, जो कहीं नहीं आता, वो आता है जनरल जनरल पीएनएल में। ये खर्चा हम बांट नहीं सकते थे, तो कहां डाल दो, जनरल पीएनएल में। कितने रुपए का खर्चा है लास्ट वाला, देखो लिखा हुआ है लास्ट में, बिजनेस एज अ होल अमाउंट, जनरल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एज होल अमाउंट 10,85,000, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग, 10,85,000 रुपए का खर्चा, ठीक है। 3,4,3,4,9,3,3,5,0 माइनस 80,640 माइनस 10,85,000, 23,27,710 रुपए का प्रॉफिट, 23,27,710 रुपए का आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया फिनिश, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, फुल फॉर्मेट के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ। ओके थैंक्स।